वेल दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोन अमाउंट देख सकते हो कि मेरे इस सब्सक्राइबर को पूरे 16,500 का यहाँ पे लोन ऑफर बताया जा रहा है, जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बंदे के पास कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, बस ये मुझे पैन का, आधार का डिटेल्स दिया और मैंने इस लोन एप्लीकेशन इनका लोन अप्लाई किया हूँ और यहाँ पे इनका 16,500 का लोन ऑफर आ चुका है कि ये जो बंदा है पूरे 16,500 का लोन के एलिजिबल है। दोस्तों, अगर आपके पास ये पैन का आधार कार्ड है और आप पैन का आधार कार्ड से अगर आप KYC कंप्लीट करके आप लोन लेना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्यों दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे न्यू जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से बस आप पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके यहाँ से आप लोन ले सकते हो। दोस्तों, आपको इस लोन एप्लीकेशन का कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है, और जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन कर लोगे फिर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा जहां पे लिखा हुआ था क्रिएट अकाउंट, तो यहां से वो क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ सब क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। फिर दोस्तों, नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों, आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कराए हो उसी मोबाइल नंबर इस लोन एप्लीकेशन द्वारा एक OTP आएगा, तो OTP इंटर करके यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहाँ से अपना OTP इंटर करके वहाँ से आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वेरीफाई योर पेन, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको ना पेन कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में पेन कार्ड 10 डिजिट का वो नंबर इंटर कर लेना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, जो आपके पेन कार्ड आधार कार्ड में होगा सेम वही डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे आपको दो टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, तो आपके इन दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से अपने पेन कार्ड को वेरीफाई कर लोगे फिर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऐड ईमेल आईडी, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो साइनिंग इन विद गूगल वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फोन में जितना भी ईमेल होगा सभी ईमेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई एक पर्सनल ईमेल आईडी करना है तो नीचे आप एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंटर योर ईमेल आईडी, यहाँ से अपना कोई सा पर्सनल ईमेल आईडी भी इंटर कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हम यहाँ से अपना ईमेल आईडी करके नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ से सीधा नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप एम्प्लॉयमेंट टाइप आप हो क्या। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, यानी दोस्तों आपका कहीं से सैलरी आता है तो यहाँ से आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी दोस्तों आप एक बिजनेसमैन हो या मजदूर हो या किसान हो, अब जो भी हो यहाँ से आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाता है वर्क ईमेल आईडी, दोस्तों यहाँ पे अपना वर्क ईमेल आईडी कर लेना है कि आप जिस ऑफिस में जॉब करो उस ऑफिस के आप ईमेल आईडी एंटर कर लेना है। लेकिन दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर आपके पास अपने ऑफिस का ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप कोई सा भी एक ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो। फिर दोस्तों, नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाता है मंथली इनकम, तो यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम एंटर कर देना है कि आप महीना में कितना कमा लेते हो, वो एंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम एंटर कर देना है। फिर दोस्तों, नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों, लगभग 30 सेकंड के अंदर में यहाँ पे आपको लोन ऑफर बता देगा कि आप इस लोन एप्लीकेशन में कितना लोन एलिजिबल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको साफ साफ लिखा हुआ है अप्रूवल लोन लिमिट, और यहाँ पर आप देख सकते हो और अमाउंट यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मेरा ये जो सब्सक्राइबर है पूरे 25,000 का यहाँ पे लोन एलिजिबल है, जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस 25,000 लोन पे यहाँ पर इंटरेस्ट जो लगाया जाएगा 2.5% यहाँ पे लगाया जाएगा, प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे 4% लगाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जितना भी लोन ऑफर करेगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस लोन अमाउंट को लेना है तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने
मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो यहाँ सबको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ सब एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है इनका आधार नंबर, तो आपको इस बॉक्स में आधार कार्ड 12 डिजिट का नंबर इंटर कर देना है। फिर ये जो कैप्चा दिखेगा इस कैप्चा को इस बॉक्स में इंटर कर देना है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी अगर आपको ये कैप्चा अच्छा से नहीं दिखता है तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसके ठीक नीचे यहाँ पे ट्राई अनदर का जो ऑप्शन देखने मिलेगा तो यहाँ सब जितना बार ट्राई अनदर ऑप्शन क्लिक करोगे उतना बार यहाँ से आपका कैप्चा चेंज होता रहेगा। तो जब आपको एक अच्छा सा क्लियर सा कैप्चा देखने मिल जाएगा फिर वो कैप्चा इस बॉक्स में इंटर करके नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने मिलेगा तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा उसी मोबाइल नंबर पे स्लो एप्लीकेशन का एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी इंटर करके यहाँ से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लीजिएगा। और जैसे ही यहाँ से अपना ओटीपी इंटर करके वहां से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपको साफ साफ लिखा हुआ है इट्स सेल्फी टाइम, यानी कि दोस्तों अब यहां से आपको इस लोन एप्लीकेशन का अपना एक सेल्फी यहां से अपलोड करना पड़ेगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए यहां पर आप देख सकते हो नीचे अभी एक ऑप्शन देखने मिल जाए जहां पर लिखा हुआ है टेक सेल्फी। तो जैसे ही यहां से आप टेक सेल्फी वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां से आपको अपने मोबाइल के यहां से कैमरा को परमिशन देना है। और जैसे ही यहां से आप कैमरा को परमिशन दोगे आपके मोबाइल के यहां से फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन अपना एक अच्छा सा क्लियर सा फोटो क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन में एक सेल्फी यहां से अपलोड कर देना है। और जैसे ही यहां से अपना सेल्फी अपलोड करके यहां से अपना केवाईसी कंप्लीट कर लोगे फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि अब यहां से आपको देखने मिल जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि दोस्तों अब यहां से आपको अपना अकाउंट डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको देखने मिल जाता है इंटर अकाउंट नंबर, तो यहां पर अपने अकाउंट का नंबर इंटर कर देना है कि आप कौन से बैंक में अपना येलो मार्ट लेना चाहते हो। फिर दोस्तों अपने बैंक का आईएफएससी को इंटर करके नीचे प्रोसीड का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहां से आपको सीधा प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही यहां से प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि अब यहां से आपको अपना पोर्टल पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों सेटअप पोर्टल पे कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले यहां पर मेथड सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो अपना सेटअप पोर्टल आप कंप्लीट करना चाहते हो नेट बैंकिंग से करना चाहते हो डेबिट कार्ड से करना चाहते हो आपके पास जो भी उस पे क्लिक करके नीचे कॉन्फिग का जो ऑप्शन देखने मिलेगा तो यहां से ऑथराइज वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहां से ऑथराइज वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां से अपने कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों सीवीवी नंबर इंटर करके एक्सपायरिंग नंबर इंटर कर देना है उसका। दोस्तों जैसे वहां से प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां से आपका सेटअप पोर्टल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार से यहाँ से अपना सेटअप ऑटो पे कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे वहां से अपना सेटअप ऑटो पे कंप्लीट कर लोगे फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइन लोन डॉक्यूमेंट, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए नीचे ही आपको ई साइन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको ई साइन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप ई साइन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना लोन एग्रीमेंट साइन करना है। तो लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए यहाँ पे आपको इसी प्रकार से यहाँ पे को लोन एग्रीमेंट साइन करना है जिस प्रकार से मैं यहाँ से लोन एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, तो सेम आप भी अपना इसी प्रकार से लोन एग्रीमेंट साइन कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नीचे को सबमिट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ से अपना लोन एग्रीमेंट साइन करके यहाँ से आप सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपका देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट अमाउंट, यानी कि दोस्तों अब यहां से आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको जैसे 25,000 का लोन ऑफर किया गया था पूरा 25,000 का लोन अमाउंट लेना चाहते हो या उससे कम का लोन अमाउंट लेना चाहते हो। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा जो सब्सक्राइबर है दोस्तों यहां पर मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम पूरे 25,000 तक का लोन अमाउंट ले सकता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि इसको जो लोन अमाउंट दिया जा रहा है मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम पूरे 6 मंथ के लिए यहां पर लोन अमाउंट दिया जा रहा है। और दोस्तों मान लेते हैं कि अगर हम अपने सब्सक्राइबर का अगर 25,000 का लोन यहां से अगर अप्लाई करते हैं वो भी 6 मंथ के लिए करते हैं तो प्रोसेस चार्ज यहाँ पे लेगा 1,250 रुपए का लगेगा, जीएसटी चार्ज यहाँ पे बनेगा 225 रुपए का बनेगा। उससे दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देखने मिल जाएगा, तो अगर आप कैसे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लेना है तो यहाँ पे वो 399 रुपए इसका भी चार्ज लग जाएगा। दोस्तों मैं तो आपको बोलूंगा कि यहाँ से मत लेना, लेकिन दोस्तों मेरे ये जो सब्सक्राइबर है मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने बताया कि मुझे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लेना है तो मैं इसको ऑन कर रखा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग चार्ज प्लस जीएसटी चार्ज यानी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जो काटेगा और वो जो काट के बचेगा वो आपके अकाउंट में सक्सेस में ऐसे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25,000 में से 1,250 रुपया और 225 रुपया और 399 काटने के बाद 23,126 रुपया मेरे अकाउंट में सक्सेस में पैसा ट्रांसफर कर जाएगा। और दोस्तों
दोस्तों 6 मंथ का जो इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है 2722 रुपया, और 6 मंथ के अंदर में इनको जो रिपेमेंट करना है 27,722 रुपया। तो दोस्तों अपने लोन का सभी डिटेल्स देख लीजिएगा, फिर दोस्तों अपना लोन हमारा सेलेक्ट कर लेना है, फिर हमारा टेन ओवर सेलेक्ट करके अपने लोन का समरी देख लीजिएगा, फिर दोस्तों नीचे गेट इंस्टेंट मनी का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको गेट इंस्टेंट मनी वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ से गेट इंस्टेंट मनी वाले ऑप्शन क्लिक कर लिया, फिर यहाँ पे 23,126 रुपया ट्रांसफर सक्सेसफुल टू योर बैंक अकाउंट, यानी कि दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में 23,126 रुपया सक्सेसफुल पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। तो दोस्तों आप इसी इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन मिलेगा उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस लोन एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाते हो लोन अप्लाई करने और हो सकता है कि किसी भी कारणवश आपका ऐसा लोन रिजेक्ट हो जाता है या अगर आपको लोन ऑफर नहीं किया जाता है, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सच में 10% लोन लेना चाहते हो और आपको पैसों को ज्यादा इमरजेंसी आ गई है और वैसे में आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिया, लेकिन अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं दिया जा रहा है, आपका बार बार लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे रहा है, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रियल फ्यूचर एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा, जहां से आप मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 1,00,000 तक का लोन ले सकते हो। तो अगर आपको सच में 10% लोन लेना है, मेरे उन फ्यूचर एप्लीकेशन का जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे जितने फ्यूचर एप्लीकेशन है सब आपको पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करने पर वहां पे आपको लोन देता है। तो अगर सच में 10% लोन लेना था उन फ्यूचर एप्लीकेशन का जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना, आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।